कतर मोंडियल 2022 के आगाज की विसल बजेगी ये मोंडियल पूरे मशरक वस्ता और पूरी अरब दुनिया में होने वाला पहला मोंडियल होगा मंसूबों और वर्षे की हाई कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन अजावादी ने कहा है कि कतर ने अपनी इस सलाहियत को मनवा लिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप के इंतजाम करने की अहलियत रखता है और वो अब तक क्या बेहतरीन का बेहतरीन वर्ल्ड कप पेश करेगा दरियसना कतर एयरवेज ने जो फीफा की सरकारी एयरलाइन होगी बोइंग ट्रिपल सेवन तैयारे का इंकशाफ कर दिया है जिसको बतौर खास कतर मौड्याल दो हजार बाईस के शहार से मुजयन किया गया है इस तरह अब इस चैम्पियनशिप के शुरू होने के अगले दो सालों की उल्टी गिनती का आगाज हो गया है कतर मोन्डियाल अब आसमान की बुलंदियों में महवे परवाज़ है और कतर एयरवेज के पर खुले आसमान से गले मिल रहे हैं और वो दुनिया भर के मेहमानों को यहाँ आने का दावतनामा और फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही है ये यह शिहार यहाँ की कौमी टीम के रंग से मुदयन है इसे अरबी फख्र ऐतद के साथ रकम किया गया है और वो आलमी खुशियों के इस तारीखी और तारीख साज वाक तस्वीर पेश कर रहा है कतर मोंडयाल दो हजार बाईस की पहली किक से ठीक दो साल पहले इस चैम्पियनशिप के ओपनिंग तैयारे के अफ्ती ट्रैक का आगाज कर दिया गया और यूं कतर एयरवेज ये साबित कर रही है कि वो फीफा के साथ अपनी शराकत और पार्टनरशिप की मुकम्मल पाबंदी कर रही है और इस खसूस तैयारे ने 21 नवंबर को फुटबॉल वर्ल्ड फेडरेशन फीफा के मुल्क स्विट्जरलैंड के लिए परवाज़ भरी है ये दावत आम भी है कि अगले दो सालों के दौरान कतर को डिस्कवर किया जाए और इस वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में शिरकत का शरफ किसी भी दूसरी चैम्पियनशिप में शिरकत के मुसाविर नहीं है इसलिए कि ये तो कतर मोंडियल है अब से दो साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप यहां कतर में मुनद होगी और ये हर लिहाज से एक मुनफरद चैम्पियनशिप होगी ये तमाम तर अरबों की चैंपियनशिप होगी